बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सेचल डे टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 69 ये कहता है कि वी हैव 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड वी हैव 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ये है 0.5 मोल इसे बनता है क्योंकि इसका मोलर मास 2 है और इससे 1 मोल बनता है। तो द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स इज हाफ रेशो 1। अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 और हाफ का वॉल्यूम कितना होता है 11.2। तो इसको 11.2 पर डिवाइड करें, इसको 11.2 पर डिवाइड करें, तो ये 1:2 आ जाएगा। सो द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम विल बी 1:2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 71। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखें, एसीटोन में आप अगर देखें, ये सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड वो कंपाउंड बनाएगा जब हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट हैं। तो ये फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे कार्बन वाले, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, सो दैट विल नॉट मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72। सोडियम क्लोराइड हैज हाउ मेनी फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। आप याद रखें कि सोडियम क्लोराइड जो है इसके 1 फार्मूला, इसके 1 सोडियम क्लोराइड के 1 यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन होते हैं और 4 क्लोराइड आयन होते हैं। तो ये 4 फार्मूला यूनिट बन गए, 4 फार्मूला यूनिट्स या 8 आयंस इसमें आएंगे, 8 आयंस, 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन। तो बी जवाब ठीक है। अच्छा, अगर कोई सोडियम क्लोराइड का मेंशन वो ना करे, सिर्फ ये कहे कि फेस सेंटर में कितने एटम होते हैं, तो फिर आपका आंसर 4 होगा। कोई एलिमेंट वगैरह हो ना, अगर फेस सेंटर उसका स्ट्रक्चर हो, तो फिर उसके 1 यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। लेकिन जब ये कंपाउंड फॉर्म में है सोडियम और क्लोराइड, तो फिर इसमें 4 आयंस होंगे, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव आयंस होंगे। तो इसको ज़रा आपने सोचना होगा, अगर वो सिंपल आपसे पूछे कि 1 यूनिट सेल में फेस सेंटर में कितने पार्टिकल होते हैं, तो उसका जवाब 4 होगा। लेकिन पार्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड को अगर मेंशन करें, तो फिर इसके 1 यूनिट सेल में 4 सोडियम और 4 क्लोराइड, यानी 8 आयंस होंगे, या इसमें 4 फार्मूला यूनिट होते हैं 1 यूनिट सेल में। क्वेश्चन नंबर 73। विच वन कंपाउंड है स्मॉलेस्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो ये देखें, लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस रेडियस ऑफ द नेगेटिव आयन। तो जितना रेडियस लार्जर होगा आयन का, तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। तो रुबीडियम क्लोराइड, रुबीडियम का साइज लार्जर है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसमें मोल कम होंगे उसमें मॉलिक्यूल कम होंगे। आप मोल्स मालूम करें, तो ए ऑप्शन में 16 ग्राम मीथेन है ना, तो ये 1 मोल के बराबर होते हैं, और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये 1/2 मोल के बराबर है, और सी में है 16 ग्राम ऑफ SO2, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 64.25 मोल, और 16 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये 16 बाय 18 हो जाएगा। तो इसे जवाब आएगा लेस देन
16 डिवाइडेड बाय 18 से जो जवाब आएगा वो तकरीबन 0.9 इस किस्म का आंसर इसे आएगा, या 0.8 या 0.9। तो आप देखें सबसे कम मोल्स किस में आ रहे हैं, ये 1 मोल है, ये हाफ है, ये 0.25 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 है, तो इसमें सबसे कम मोल आ रहे हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद सबसे कम होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, द हाइड्राइड आर आइसो हाइड्राइड आयन। देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरा लेगा तो इसे हाइड्राइड आयन बनेगा, हाइड्राइड आयन, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे और हीलियम में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट इज सिमिलर टू हीलियम रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये याद रखें कि हाइड्राइड आयन जो है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन से ये स्ट्रॉन्गर बेस है, हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयन। तो बाज़ औक़ात ये पेपर में आता है कि हाइड्राइड आयन बेस है या एसिड है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि ये हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्गर बेस है या वीकर, सो इट इज स्ट्रॉन्गर बेस। क्वेश्चन नंबर 76, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन यट्रियम, ये 89 है और ये है 231, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 89 के बराबर होंगे और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, 231 माइनस 89 तो इसे आएगा 142, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव लाइट ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब ये है कि वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, यानी मैक्सिमम एनर्जी वाला। तो देखें इन जितना जंप बड़ा होगा, बिगर इज द जंप सो ग्रेटर विल बी द एनर्जी रिलीज, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, तो N2 टू N1 ये स्मॉलर जंप है और N4 टू N2 अगर आप देखें ये जंप शो कर रहा है, ये इसके मुकाबले में बिगर जंप है, और N3 टू N1 ये भी जंप है, और N4 टू N1 ये सबसे बिगर जंप है, तो जितना जंप बिगर होगा, जितना हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा, तो देखें ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एनर्जी ये लूज करता है, यानी ये डेल्टा ई ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड विद वन अनदर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। ये आप याद रखें कि N2 माइनस N1 इसकी जो एनर्जी है ना, E2 माइनस N1, पहले दो ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा इससे, एक ये बात आप याद रखें, जितना आप दूर जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट डिक्रीजेस, और एक ये बात आप याद रखें कि बिगर इज द जंप greater is the energy released, greater is the energy released, ज्यादा energy release होगी। question number 78, the wave number of a spectral line in the emission spectrum of hydrogen will be maximum if the electron jump from, तो ये देखो कि wave number जो है और energy ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो जितना बिगर जंप होगा एनर्जी ज्यादा होगी और उसका वेव नंबर भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन अमोनिया एंड वाटर। आप देखें मीथेन में बॉन्ड एंगल 10,
नाइन है। अमोनिया में लोन पेयर है तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 107.3 हो जाएगा। और वाटर में देयर आर टू लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। तो द एच ओ एच बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन मीथेन, ये बात गलत है। कहता है कि कौन सी बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पर लिखा है कि वाटर का बॉन्ड एंगल जो है ये लार्जर है मीथेन से, तो ये बात गलत है, ये मीथेन से कम है, लार्जर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, द एनएच बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखिए NH3 में लोन पेयर है और पायरामिडल शेप है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल बॉन्ड के नट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और इसी तरह CFCl3, अगर ये सारे एटम आइडेंटिकल होते, सारे क्लोरीन होते या सारे फ्लोरीन, तो ये भी फिर नॉन पोलर होता, इसका डाइपोल मोमेंट फिर जीरो होता। अब SiF4 जो है ये टेट्राहेड्रल है, सारे एटम आइडेंटिकल हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि अ रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम विद द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि 50% रिएक्शन हो चुका हो, ये मतलब नहीं होता इक्विलिब्रियम। द रेट आर कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस आर दिस एंड दिस परमानेंट रिस्पेक्टिवली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी। तो ये देखें KC जो है ना, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इसके रेशो को हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1.0 × 10⁻²⁻ डिवाइडेड बाई 0.5 × 10⁻²⁻ तो ऐसे 2 जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 83, A और B, A plus B C बनाता है, तो KC will be equal to molar concentration of C divided by A into B, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोल पर लीटर, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो आपको पता है कि W और Q ये दोनों दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस, जब स्टेट फंक्शन नहीं होंगे सो दे आर पाथ फंक्शन, इसको पाथ फंक्शन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये कि 2 और 3 ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। आप जब एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक उसमें जो कंसंट्रेशन चेंज आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू इंटरवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो इससे जो रेट आता है इसको हम कहते हैं एवरेज रेट, बी ऑप्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एक पार्टिकुलर टाइम पर, जो किसी खास टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि ऑर्डर इज ऑलवेज होल नंबर, तो ये बात ठीक नहीं है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन फॉर द इक्वेशन और रेट ला इसने दिया हुआ है कि इट इज इक्वल टू के एन टू एन ओ रेस टू द पावर टू एंड सी एल टू रेस टू द पावर वन. कहते हैं कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इनक्रीज बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनओ सी एल टू टेम्परेचर. तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इसको ज्यादा करें या इसको ज्यादा करें तो रेट ज्यादा होगा, और चूंकि टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है रेट, तो ऑल ऑफ दीज जवाब ठीक है. मतलब इन सबको ज्यादा करने से रेट ज्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 88 ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. देखें, आप जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो आपके साथ H पॉजिटिव आयन होंगे, सल्फेट आयन होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, क्योंकि पानी में भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं. तो ये आपके साथ एनोड है और ये कैथोड है. तो ये हाइड्रोजन जो है ये जाएगा कैथोड की तरफ, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये एनोड की तरफ जाएंगे. तो कहता है कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगा. ये जो सल्फेट आयन है ये भी एनोड की तरफ जाएंगे, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोक्साइड भी नेगेटिव, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होता है सल्फेट के मुकाबले में. इस वजह से एनोड पर जब रिएक्शन होगा तो वो हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा. तो ऐसे बनेगा H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा एंड नॉट दी सल्फेट या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर, ये चीज़ें नहीं बनेंगी. मतलब सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना ये प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होंगे. क्वेश्चन नंबर 89 Which of the following is the use of electrolysis? तो इसके ज़रिए से हम मेटल की प्योरिफिकेशन करते हैं बाई इलेक्ट्रोलिसिस, इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं, और मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं उसको जंग से बचाने के लिए. तो ये दोनों जवाब ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 90 Which of the following property of alkali metal increases down the group? तो देखो, melting point, electronegativity, ionization energy, ये सब decrease होते हैं, लेकिन ionic radii they increase down the group. क्या मतलब है? यानी potassium ion का size sodium ion से ज्यादा होगा, sodium का lithium से ज्यादा होगा, down the group. Question number 91 Which one of the following is correct sequence of reducing agent? तो ये याद रखें कि ये जो हमारे पास अल्कली मेटल हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, तो जितना आप डाउन जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगा. सीजियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन रुबिडियम देन पोटेशियम देन सोडियम, लेकिन लिथियम जो है ना ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल है. लिथियम का ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तमाम एलिमेंट में, अच्छा स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ये लिथियम है, ये एक्सेप्शन है. अच्छा, और सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो फ्लोरीन होता है. तो 91 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 92 द मेटल दैट प्रोड्यूस इज रेड वायलेट कलर. तो ये रुबिडियम है, ये तो आप खुद ये कलर जो है ना ये याद रखें. अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कलर नहीं देते हैं, बाकी सारे कलर देते हैं. 93 विच वन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. तो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. विच अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक. तो
तो ये बेरिलियम के जो ऑक्साइड है ना और हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होते हैं, सो दे आर अल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 95 में ऑप्शन नंबर सी टी है, ये एन माइनस वन डी और एन एस, ये 1 to 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास आयरन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d6। तो यहाँ पर ये मैंने 4 जो है ना, अगर मैं इसको n कंसिडर करूँ, ये 4 है, तो यहाँ पर 3 जो है 4 से 1 कम है ना, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, ये जो कंपाउंड आपको गिवन है ये साइक्लोहेक्सीन है। आपने नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करनी है जहां पर डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड में भी उस कार्बन से आप नंबरिंग शुरू करेंगे जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, और फिर नंबरिंग आप क्लॉकवाइज करेंगे। तो 3 पर ब्रोमीन अटैच है, 1 पर क्लोरीन अटैच है, और ये साइक्लोहेक्सीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 97 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 को आप देखें, विच पेयर बोथ आयन, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयंस आर कलर्ड। तो ये जो पहला है ना स्कैंडियम प्लस 3, ये तो कलरलेस है क्योंकि इसमें डी 0 है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, टाइटेनियम प्लस 3 का पर्पल कलर है। अच्छा, बी ऑप्शन में स्कैंडियम प्लस 3 कलरलेस है, लेकिन कोबाल्ट प्लस 2 जो है ये कलर्ड होता है। अच्छा, सी ऑप्शन में निकल प्लस 2 इज कलर्ड, कॉपर प्लस 1 कलरलेस होगा, ये कलरलेस है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये कलर्ड होगा, इसका ग्रीन कलर होता है। और डी में निकल प्लस 2 ग्रीन और टाइटेनियम प्लस 3 इज पर्पल, तो ये दोनों कलर हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये कलर वगैरह आप आइंस के अपने बुक से स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 98, द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड। तो इसमें ये जो SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड वाला मेथड सबसे अच्छा है, उसकी वजह ये है कि इसमें अल्कोहल के साथ जब हम SOCl2 मिलाते हैं तो इससे अल्काइल हैलाइड SO2 और HCl बनता है। ये भी गैस है, ये भी गैस, ये दोनों गैसें जो है ना ये उड़ जाती हैं, और आपके पास कंटेनर में प्योर जो लिक्विड होता है अल्काइल हैलाइड का, वो पीछे रह जाता है, इसमें प्रोडक्ट प्योर बनता है, इम्प्यूरिटीज इसमें नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 99, SN2 रिएक्शन में बाई मॉलिक्यूलर में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी, और प्राइमरी में भी सबसे जो मीथाइल हैलाइड होगा यानी मीथाइल क्लोराइड, वो इथाइल क्लोराइड से मोर रिएक्टिव होगा, और फिर डाई मीथाइल ये जो सेकेंडरी है ये इन दोनों से लेस रिएक्टिव होगा, और टर्शरी जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा SN2 में, SN1 में फिर ये ऑर्डर उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड सी सी और सी, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे वी विल स्टार्ट नंबरिंग, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के साथ OH है, यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे। तो 2 पर मिथाइल है और 2-4 पेंटेन और डाईओल होगा, 2 अल्कोहल डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10,
One, acid catalyzes hydration of alkene except ethene leads to the formation of secondary or tertiary. देखो मैं प्रोपीन की मिसाल लेता हूं, इसकी मैं हाइड्रेशन करता हूं, तो मार्कानिकॉफ रूल के मुताबिक H उस कार्बन के साथ मिलेगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CHOH और CH3, तो देखो आपके साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सिर्फ ईथीन में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, ये जो हमारे पास कंपाउंड है CH3CH, ये C डबल बॉन्ड OH CH2 और CH3, तो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये 1, 2, 3, 4, तो ये ब्यूटानॉल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एल्डिहाइड के आखिर में AL आता है नाम में, आल ब्यूटानॉल। क्वेश्चन नंबर 103, तो इसमें ये जो ये CH3 है, फिर यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर C है, फिर यहाँ पर ये CH2CH3 है, ईथाइल ग्रुप है, फिर इधर C डबल बॉन्ड O है, फिर H है, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 2 पर ईथाइल ग्रुप अटैच है, 2 ईथाइल, और टोटल कार्बन इसमें 5 हैं, तो पेंट 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, और आखिर में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 आल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम टालन रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। टालन रिएजेंट क्या होता है? ये अमोनिकल सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड से ये चीज बनती है, ये एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है और कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। 105, RCH, ये असल में एल्डिहाइड है, दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, लेकिन अगर इसके साथ हम दो मॉलिक्यूल, ये देखिए मैं इसके साथ दो अल्कोहल मिलाता हूँ, दीज आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, तो इसे एक वाटर निकल जाएगा और RCH यहाँ पर OR और यहाँ पर OR, तो इस किस्म के कंपाउंड को हम एसीटाल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसीटाल। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 106 है, 106 में आपका जवाब है, 106 में वी हैव डी ऑप्शन, इसको एसीटाल कहा जाता है। अच्छा, 105 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 105, 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन, 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 105, दिस इज 2 पेंटानोन और ये मेरे पास है 3 पेंटानोन, तो ये याद रखें कि ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन ये आयोडोफॉर्म बनाएगा जिसमें अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, कि जिसमें अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम हो, तो वो कंपाउंड जो है फिर आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। आयोडोफॉर्म क्या चीज है? CH3, चूंकि यहां पर दोनों अल्फा कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन है, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, क्योंकि एक साइड पर अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो 105 में सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में इन द फॉर्मेट एनायन, ये फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, इसे जब हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, सो वी गेट
दिस फॉर्मेट आइन, लेकिन ये फॉर्मेट आइन जो है इसमें डीलोकलाइजेशन होती है, तो कभी नेगेटिव चार्ज उधर चला जाता है, कभी नेगेटिव चार्ज जो है ये इधर चला जाता है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा। सो इट हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये बॉन्ड लेंथ इन दोनों ऑक्सीजन का, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिस इज द आइडेंटिकल बॉन्ड, दिस बॉन्ड नन ऑफ द बॉन्ड इज डबल एंड नन ऑफ द बॉन्ड इज सिंगल इन द फॉर्मेट आयन, बल्कि दोनों बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, द यील्ड ऑफ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कैन बी इंक्रीज। ये तीनों बातें ठीक है, एसिडिक एसिड भी रिएक्टेंट है और अल्कोहल भी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ज्यादा होने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट वाटर है तो वाटर को रिमूव करने से भी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। तो ऑल ऑफ देम 109, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, और फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, फ्लोरिनेशन इज वेरी रैपिड एंड एक्सप्लोसिव। आयोडिनेशन इज टू वायलेंट, ये गलत है, आयोडिनेशन स्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें वन और टू ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, अ ग्रुप व्हिच डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू आर्थो एंड पेरा, तो ये हेलोजन होते हैं बी। ये याद रखें, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, एनओ टू है, एन आर आर प्लस है, एसओ थ्री एच है, ये सारे ग्रुप जो है ना ये डीएक्टिवेटिंग है एंड दे आर मेटा डायरेक्टिंग। और क्लोरीन जो है या फ्लोरीन या हेलोजन या ब्रोमीन, ये सारे जो है ना ये डी एक्टिवेटिंग तो हैं बट दे आर आर तो पैरा डायरेक्ट, ये एक्सेप्शनल केस है। तो आमतौर पर आपसे एक्सेप्शनल केसेस जो है ना वो पेपर में पूछी जाती है, तो इस पर आप ज़रा इसको स्पेसिफिकली आप याद करें कि हेलोजन जो हैं ये डी एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग नहीं है, लेकिन है आर तो पैरा डायरेक्ट। 111, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है फ्राइडलक्राफ अल्काइलेशन में या एसाइलेशन में बतौर कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 113, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, जब हम अल्फा अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ एक सिक्वेंस में, एक कतार में, एक लाइन में अरेंज करते हैं। 114, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना ये इसको स्टेबल बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट रोल है। ये भी याद रखें कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं। और टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ना, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें भी होते हैं, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, बाकी सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 में लिखा है कि इन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इनिशिएशन स्टेप कौन सा है, सबसे पहला स्टेप, तो वो ये है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल सनलाइट में ब्रेक होता है और ये फ्री रेडिकल बनाता है, तो ए ऑप्शन। 116, अ हाइड्रोकार्बन ए ऑन क्लोरीनेशन गिव्स बी, तो ये देखिए ये मेरे पास है, फॉर एग्जांपल ये ईथेन है,
मैं इसकी क्लोरीनेशन करता हूँ तो इससे बनेगा इथाइल क्लोराइड, ये प्रोडक्ट बी हो गया हमारा, ये ए है। और विच ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये डिहाइड्रोहेलुजिनेशन करेगा तो इससे अल्कीन बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट नंबर सी है। द लेटर डीकलराइज इज बियर रिएजेंट, ये चूंकि अल्कीन है तो ये बियर रिएजेंट को क्या करेगा, डीकलराइज करेगा। और जब हम इसकी ओजोनालिसिस करेंगे तो इससे बनेगा, पहले ओजोनाइड बनेगा और फिर जिंक और वाटर के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, वी विल गेट जिंक ऑक्साइड एंड वी विल गेट फॉर्मल्डिहाइड। तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हमारा क्या है, दैट इज ईथेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगरचे इस तरह ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में ज्यादा नहीं आते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बाज औकात जो है इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, ये क्लोरीन है, ये CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है, फिर इधर Cl है, इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन, 1, 2, 3 और 4, तो 2, 3 डाई ब्रोमो और 1, 4 डाई क्लोरो और ये ब्यूटीन और 2 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच इज नॉट अ फाइबरस, मायोसिन और केराटीन ये फाइबरस हैं, इंसुलिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि इसमें मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो फिनोल मोर एसिडिक होता है, ये बाकी अल्कोहल हैं, अच्छा ये सारे अल्कोहल्स हैं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर ज्यादा होने से रिवर्स रिएक्शन होगा, विच इज एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, वैसे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन का होता है लेकिन अमंग द गिवन चॉइसेस एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा एबंडेंट होगा, बी ऑप्शन। 122, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करें पानी में तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा और 3 आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल, सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी, आप पूरे वीडियो को आप देख लें और इसको समझने की कोशिश करें और टाइम जो है अब भी काफ़ी ज़्यादा है, कम टाइम आपके साथ नहीं है, आप पूरी केमिस्ट्री पूरा फिजिक्स जो है और बायोलॉजी आप इन चंद दिन में फिर भी आप कई बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, आप बिल्कुल डिस्करेज ना हो, टाइम आपके साथ काफ़ी अब भी मौजूद है, डिस्करेज ना हो और खूब सेटिस्फेक्शन के साथ अपने स्टडी पर फोकस करें और ज़्यादा मुश्किलात में आप न पढ़ें, अपने कोर्स के साथ रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, अपने लिए दुआएं मांगें, वालिदैन से दुआएं लें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।